डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फोर्टीन का टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स लॉ तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ चैप्टर नंबर फोर्टीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉपिक फोर्टीन पॉइंट टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल लॉ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है कि वाटर को एक हाइट से फॉल करवाया जाता है और वो जब पानी एक टर्बाइंस के ऊपर फॉल करता है तो टर्बाइंस रोटेट होती हैं और इस तरह से टर्बाइन जो है वो फर्दर आगे जनरेटर्स को मूव करवाती हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है अब इसमें बेसिकली टर्बाइन जनरेटर्स को फर्दर मूव करवा रही हैं और टर्बाइन जो मूव हो रही हैं वो बेसिकली पानी की वजह से मूव हो रही है कि पानी जो है वो हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वजह से मूव कर रहा है और पानी हायर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से मूव करके वो लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ आ रहा है तो जैसे ही पानी हायर से लोअर ग्रेविटेशन पोटेंशियल की तरफ आता है उसकी वजह से टर्बाइंस रोटेट करती हैं और टर्बाइन की वजह से फर्दर आगे जनरेटर मूव करता है और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है तो इसमें भी बेसिकली चार्जेस जो हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं और जब मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है ओके सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मूव चार्जेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वो जो बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है वो उन चार्जेस को मूव करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है क्लियर सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं चार्जेस को हायर पोटेंशियल से मूव करवा के लोअर पोटेंशियल की तरफ क्लियर नाउ इफ वन कुलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स देन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाई द चार्ज वुड बी वी जाऊल ओके अगर एक कुल करवाया जाए एक पोटेंशियल है, है वहां पर देन कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पर वी जाउल एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी क्लियर अब यहां पर हम सिर्फ वन कुलम ऑफ चार्ज को पास करवा रहे हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स, देन टोटल एनर्जी जो सप्लाई होगी दैट इज वी जाउल नाउ लेट सपोज अगर यहां पर हम क्यू कूलम ऑफ चार्जेस पास करवा दें तब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी सो हम लिख सकते हैं कि वेन कूलम ऑफ चार्ज Passes, then energy supplied by the charge would be QV joules. ओके okay. जब वन कुलम ऑफ चार्ज पास कर रहे थे हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट के दरमियान तब अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही थी दैट इज वी जाउल तो वी जाउल अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो रही थी और जब हम क्यू कुलम ऑफ चार्जेस पास करवाएंगे तब टोटल कितनी एनर्जी सप्लाई होगी दैट इज क्यू वी जाउल क्लियर सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी सप्लाइड

टू क्यू ओवर टी सो अगर हम यहां से क्यू की वैल्यू निकालें तो टी यहां पर डिवाइड हो रहा है तो ये यह टी यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी हम इस क्यू के फॉर्मूले को इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं सो पुट द वैल्यू ऑफ Q. In equation number one, so the total energy supplied by the charge in टाइम टी सेकेंड्लू इज इक्वल टू क्यू वी था तो मैं यहां पहले क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं टू आई मल्टीप्लाई बाई टी और यहां पर आ जाएगा ये वाला वी एज इट इज ओके क्यू इज इक्वल टू आई टी था तो मैंने क्यू की जगह पर आई और टी प्लेस कर दिया और साथ ही वी जो है ये एज इट इज आ जाएगा क्लियर सो ये है टोटल एनर्जी जो कि सप्लाई हो रहा है बाय द चार्ज इन टाइम टी सेकंड्स क्योंकि यहां पर टाइम भी मेंशन है तो हम टाइम टी सेकंड में जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक चार्ज तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन टू हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर हीट एनर्जी में और बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में सो so, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हम एक बल्ब हम जब ऑन करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पास हो रही है और वो बल्ब क्या करता है वो फर्दर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सो so, अब हम ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे so according to the ohm's law, according to the ohm's law, V is equals to I R. so इसके according हम हाँ, energy find करते हैं जैसे कि हमने last formula discuss किया था डब्ल्यू इज इक्व टू आई मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई वी सो यहां पर हम v की value replace कर देते हैं की जगह मैं पुट कर रहा हूं आई आर और फर्दर ये मल्टीप्लाई होकर यह बन जाएगा आई आई से आई स्क्वेयर हो जाएगा एंड आर टी ओके तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप वो एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी जो है वो जनरेट हो रही है ड्यू टू द रेजिस्टेंस क्लियर और सिमिलरली हम इसको इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि वी इज इक्वल टू आई आर यहां से वैल्यू निकाल लें तो ये यह आर यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा सो इट बिकम्स आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ओके तो इस तरह से भी हमने जो कि लास्ट फॉर्मुला डिस्कस किया था डब्ल्यू इज इक्व टू आई मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाई वी क्लियर यहां पर अब हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं सो so, I की वैल्यू है v ओवर r मल्टीप्लाई बाय t एंड मल्टीप्लाई बाय V जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर W का फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर ओवर r मल्टीप्लाई बाय t क्लियर तो यहाँ पर हमने ये दो फॉर्मूलास जनरेट कर दिए जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द रेजिस्टेंस क्लियर नौ वट इजाउज लॉ इसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं जाउज लॉ बेसिकली ये बताता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हो रही है जब चार्जेस फ्लो करते हैं किसी भी सिस्टम में तो उस सिस्टम में अगर रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से कितनी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Generated in resistance due to the flow of charge. And it will be equal to the square of current I. रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी अभी हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया दब्ल्यू इज इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी क्लियर डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज and will be equal to the square of current I, so will be equal to the square of current I, resistance R and time t. So इनको multiply करवाके हम बता सकते हैं कि एक resistance में जब charge flow करेगा तो उसमें कितनी heat energy generate होगी। clear? As you know कि जब भी हम किसी भी like wire में हम current pass करते हैं तो wire जो है वो atom से मिलकर बनी है, particle से मिलकर बनी है, तो करंट जब पास कर रहा होता है तो वो एटम जो है वो उसके लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं एज अ रुकावट बन जाते हैं वो उस करंट के लिए तो वहां पर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन एटम्स को ओवरकम करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी वजह से एक हीट एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है क्लियर सो so, अगर हम इसके यूजेस को डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूजेस क्या होंगे एज वी डिस्कस बिफोर के बल्ब जैसे कि बल्ब में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो बल्ब फर्दर उसको लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सो द फर्स्ट यूज जैसे कि बल्ब ओके सिमिलरली द सेकेंड वन इज हीटर सो हीटर में भी बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होती है तो जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो उस रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और इस तरह से हीटर जो है वो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है क्लियर और सिमिलरली अगर हम बात करें फैंस की तो फैंस में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो फैंस फर्दर उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है क्लियर और नॉर्मली रेजिस्टेंस की बात करें तो हर चीज में रेजिस्टेंस मौजूद है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज